जैद भाई उठे, जैद भाई आंखें खोले, जैद भाई उठे, उठे जैद भाई। मुझे धक्का किसने दिया था? नजम कहाँ है? अच्छा बच्चा दोस्त है तुम्हारा? वो लोग ले गए नजम भाई को। दोस्त? दोस्त का मतलब समझते हो? कौन लोग थे वो? वही लोग जिन्होंने आपको धक्का दिया है। चलो मैं समझाता हूँ। इस बच्चे के बाप ने मेरे 5 लाख रुपए उधार लिए थे। कहाँ ले गए नजम को? मुझे नहीं पता। वो तो चले गया। उसूल तो ये कहता है कि बाप का कर्जा बेटा लेगा, लेकिन वो अभी बहुत छोटा है। मतलब दोस्ती 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 निभाने का वक्त आ गया। अब मेरा पैसा तुम लोग दोगे, वो भी एक हफ्ते में। हम कहाँ से देंगे आप? क्या मैं जो बोलता हूँ वो सबको मानना पड़ता है। पता नहीं नजम किस हाल में होगा यार। नजम कहाँ लेके गए तेरे को? तेरी वजह से हुआ सब। मेरी वजह से? हाँ तेरी वजह से। तूने इस बच्चे का साथ दिया है। तू ना इस बच्चे को अपने साथ जोड़ता और ना ये मुसीबत अपने सर आती। तू क्या बोल रहा है ये जाहिद? इसमें इस बच्चे का क्या कसूर? तो किसका कसूर है? मैं जाहिद पागल हो गया क्या तू? हाँ पागल हो गया हूँ मैं। क्या मसला है? तूने धक्का कैसे दिया मेरे को? आप लोग नहीं ले रहे ना? बाबूजी बात करने दो। आप लोग नहीं ले रहे? दिमाग खराब हो गया तेरा। आप दोनों एक काम करो, आप दोनों चले जाओ यहाँ से। वो जब आएगा मैं उसे देख लूंगा, वो मुझे कुछ नहीं करेगा। नहीं नहीं बिलाल, हम आपको ऐसे नहीं छोड़ सकते। ठहरे, जो होगा देखा जाएगा। आप लोग जाओ अभी यहाँ से। आप लोग मेरी वजह से लड़ाई मत करो। एक हफ्ते में 5 लाख रुपए दे रहे, कहाँ से देंगे हम? मेरे पास तो 5 रुपए भी नहीं है। मैं कौन सा अपनी जेब में खजाने लिए घूम रहा हूँ भाई? तो सोचो कैसे देंगे पैसे। मेरे पास एक आइडिया है। क्या? थोड़ा सा खतरनाक है, लेकिन अगर हम ये कर गए ना तो हम मुसीबत से निकल जाएंगे। तू बता क्या सीन है? किडनैपिंग। बिलाल आपको पता है आप क्या कह रहे हो? भाई हम लोग ऐसे नहीं है। मुझे पता है आप लोग ऐसे नहीं है, लेकिन इतने कम टाइम में ये एक ही तरीका है यार। इसमें तो खतरा है। नहीं नहीं जाहिद, हम ये बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ये नहीं करेंगे तो पैसे कहाँ से लाएंगे यार? ठीक है फिर आप लोग कुछ और सोचो। बिलाल जो कह रहा है वो गलत तो है, पर इसके अलावा कोई रास्ता भी नज़र नहीं आता यार। ज़िंदगी में
और क्या क्या करना पड़ेगा? अपनी तो सारी किस्मत ही खराब है। पहले लॉकडाउन की वजह से नौकरी खत्म हो गई और कुछ और करने की कोशिश की तो ये मुसीबत गले पड़ गई। तो प्लान क्या है? तैयार हैं आप? और आप? कुछ ना करने से कुछ करना बेहतर है। तो प्लान ये है कि मैं एक बच्चे को जानता हूँ जिसके अबू बहुत अमीर है और साथ में बहुत डरपोक भी। तो हम उस बच्चे को किडनैप कर लेते हैं और फिर उनसे कह देंगे कि किसी को ना बताए वरना हम आपके बच्चे को मार देंगे और फिर उनसे पैसे ले लेते हैं। सिंपल। ये सब तो ठीक है पर हम उसे अगवा कैसे करेंगे? मैं बताता हूँ। वो ट्विन टावर में रहता है। रोज शाम को 5 बजे के आसपास वो दोस्तों से मिलने बाहर निकलता है। हम उसको यहीं से फॉलो करना स्टार्ट करेंगे। वैसे तो रास्ते में वो अकेला ही होता है पर जिन रास्ते से वो गुजरता है वहाँ आसपास तंदूर होटल और खाने पीने की काफी दुकान है जिसकी वजह से काफी रश होता है। वो ज्यादातर मेन रोड यूज करता है पर उसके रास्ते में एक गली भी पड़ती है। नॉर्मली वहाँ सन्नाटा ही होता है पर फिर भी एक दो दिन हम उसे वॉच करेंगे। वॉचिंग से हमको आसपास के रश का अंदाजा हो जाएगा। जाहिद भाई आप गली के अंदर और नाजम भाई आप गली के आखिर में खड़े होकर उसका इंतजार करेंगे। हमारी तैयारी रोज पूरी होनी चाहिए जैसे आसपास रिक्शा चादर और बेहोश करने वाली दवा वगैरह सब। और जिस दिन हमको चांस लगा उसी रोज हम उसे किडनैप कर लेंगे। तो इस तरह हम उसे 20 लाख रुपए ले लेंगे। पर 20 लाख रुपए क्यों? 5 उनके 5 आपके 5 जाहिद भाई के और 5 मेरे। इतनी मेहनत में हमारा इतना तो बनता है ना सब। तो आप लोग क्या बोलते हैं? काउंटडाउन स्टार्ट।